खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम गोगड़िया खेड़ी की जिला सहकारी बैंक शाखा में बीती रात लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। घटना का पता उस वक्त चला जब मंगलवार सुबह बैंक कर्मचारी पहुंचे, जहां लॉकर के ताले टूटे हुए देखकर प्रबंधक और पुलिस को सूचना दी गई। चोरी में सुरक्षा गार्ड की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बैंक में लगे सीसीटीवी में मिले हुलिया के आधार पर पुलिस सिक्योरिटी गार्ड की तलाश कर रही है। बैंक मैनेजर त्रिलोचन भाटिया ने चोरी की पुष्टि करते हुए बताया कि बैंक के स्ट्रांग रूम के लॉकर में रखे 21,26,399 रुपए गायब है। इसके शिकायत पुलिस को दर्ज कराई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने भी बैंक का मुआयना किया। एसपी ने बताया, प्रथम दृष्टया वारदात को अंजाम देने में सुरक्षा गार्ड की भूमिका नजर आ रही है। चोरी के बाद से वह फरार है, पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जल्दी ही सुरक्षा गार्ड और रुपये बरामद करने का प्रयास करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं, शंका किसी भी नहीं। अभी कब की घटना हुई ये? अब कल रात की हो सकती है। केस कब आया? केस तो आता रहता है ना, लेन देन चलता रहता है। पता कैसे लगा? तो लॉक खोलने गए, देखा तो टूटा हुआ था लॉक। ये मेन गेट पे ताला टूटा हुआ? नहीं, अंदर के गेट का। तो घुसा कैसे फिर? अब वो जहाँ चल रही है सर, देखते सीसीटीवी लगे हैं क्या? लगे हैं। सीसीटीवी कुछ आया क्या अभी? अब वो देख रहे हैं पुलिस वाले, जाँच वगैरह नहीं है? बैंक में गार्ड वगैरह है ना? गार्ड है। गार्ड कहाँ था? गार्ड भी उसकी ड्यूटी रहती है नाइट में। अच्छा, तो किसी भी शंका वगैरह आपको? नहीं, अभी किसी भी कुछ कहा नहीं सर। क्या नाम लेते हैं? त्रिलोचन भाटिया। बैंक है, उसमें सुबह सूचना मिली थी कि उसमें से जो कैश था, उनकी जो गोदरेज की जो चेस्ट थी, उसमें कैश चोरी हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम मौके पे ही है। अभी कितना कैश गया है उसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रेमा फेसिया जो जानकारी मिली है, उसमें जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी भूमिका संदिग्ध है। और सिक्योरिटी गार्ड अभी गायब है, और बाकी हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डिटेल्स मिलने पर शेयर करें। सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारियाँ मिली हैं और बाकी जो फैक्ट मिले हैं, उसके आधार पर जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था, बैंक की सिक्योरिटी गार्ड की ही इस पूरे केस में संलिप्तता की संभावना है। लेकिन चूंकि अभी पूरी चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही है, बहुत ही प्रोमिनेंटली कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन जल्दी ही इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछताछ करने पर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।